सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आग होती क्या चीज़ है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा यही होता है कि आग को बुझाना कैसे बुझाना है, उसके लिए हमें पहले जानकारी होनी चाहिए आग है क्या चीज़। आग जो होती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो तीन चीज़ों के मिलने से बनती है। सबसे पहला जो होता है वो है ऑक्सीजन, जो हर जगह मौजूद है। दूसरा जो होता है वो है ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कागज़, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, दफ्ती, ये भी हर जगह मौजूद है। तीसरा जो सबसे मुख्य, जो सबसे अहम है, वो है टेम्परेचर, ताप। ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तभी आग उत्पन्न होती है। सपोज़ जैसे यहाँ पे लकड़ी भी मौजूद है, जलने वाली चीज़ है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, बट यहाँ पे आग नहीं जलती क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं है। जब हम इसमें टेम्परेचर दिखाएंगे, लगाएंगे आग, तब इसमें आग उत्पन्न होगी। तीन चीज़ें मिलेंगी तभी आग लगेगी, वरना आग कभी जल ही नहीं सकती। आप लोगों ने कांच का लैंप देखा होगा जिसमें लौ जल रही है, उसके ऊपर अगर हाथ रख लें तो वो लौ बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन कट हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारे लकड़ी के कबाड़ में या जेल में आग लगी हुई है और हमने लकड़ियों को, जो जलने वाली चीज़ें, उनको दूर दूर कर दिया, तो जो आग यहाँ पर जल रही होती है वो जल के वहीं पर ख़त्म हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है, फैलती नहीं। तो बताने का, कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आग लगने का जो सबसे, जो तीन पॉइंट ये हमारे हैं, ऑक्सीजन, ज्वलनशील पदार्थ और ये टेम्परेचर, इन तीनों के मिलने से ही आग उत्पन्न होगी, वरना आग कभी जल ही नहीं सकती। अच्छा, आग ना लगे, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आग ना लगे। तो आग ना लगे क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, ये बहुत पता होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो आग लगने का मुख्य कारण होता है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ताप, और उसके साथ टेम्परेचर उत्पन्न होने के साथ साथ जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो जलने लगती हैं। तो टेम्परेचर हर जगह मौजूद नहीं रहता, जब शॉर्ट सर्किट अक्सर जो होता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है। तो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट या हमारे ऑफिस में अच्छे से साफ़ सफाई रहे। जी जी, कागज़ और रजिस्टर, दफ्ती, ये बहुत सारा मतलब फालतू की चीज़ें एक साथ ढेर रहें ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अच्छी साफ़ सफाई आग को फैलने से रोकती है। फैलने से क्यों रोकेगी? क्योंकि जलने वाली चीज़ें जब नहीं मिलेंगी, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आग जल के वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। और बहुत सारा कबाड़, बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ ढेर हैं और आग लगती है तो धीरे धीरे वो फैलती है। हमारे वहाँ जैसे हम विभाग बंद होता है या डिपार्टमेंट बंद होता है, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे वहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक के स्विच सॉकेट या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी हैं उनको हमें बंद करना है ध्यान देकर, या किसी एक की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि आपको इसको बंद करना है ऑफिस बंद होने समय। कोई भी एसी हो या फ्रिज हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं है उनको हमें हमेशा बंद करके ही जाना है। अच्छे से खिड़की दरवाजे हमारे कमरे के, ऑफिस के, उसको भी बंद करना है, ध्यान रखना है कि हमारे खुले ना रहें। हमारे वहाँ जैसे बिजली के जो स्विच सॉकेट है या बिजली का जो मेन स्विच होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे बिजली का मेन स्विच है जहाँ से हमारे डिपार्टमेंट की लाइट कट होती है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग लगने पर सबसे पहले जो है हमको सूचना देनी होती है, उसके बाद हमें बिजली कट करानी होती है। बिजली कट कराने के लिए हमें स्विच पता होना चाहिए। हमें अगर नहीं पता तो अपने बिजली वाले जो कर्मचारी हैं उनसे पता करके, जानकारी हासिल करके अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी आग लगती है या तो शॉर्ट सर्किट से लगती है, और अगर शॉर्ट सर्किट से नहीं भी लगी, आग लगने के बाद वायर जलने लगते हैं, सप्लाई चालू होती है तो उससे शॉर्ट सर्किट होने लगता है, उसकी वजह से आग जो है वो बढ़ने लगती है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ध्यान रखी जाए तो हमारे वहाँ व्यवस्थित रखी जाए, सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाए तो आग नहीं लगे वो बेहतर है। जैसे 5-6 एम्पियर का सॉकेट होता है, अक्सर उसमें हैवी लोड दे दिया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसका जितना काम है उसको उतना ही काम दिया जाए। एक सॉकेट में 2 प्लग लगे होते हैं अक्सर, तो ओवरलोडिंग, ओवर हीटिंग होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इसको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे घर हो, कहीं भी हो। अच्छा, आग लगने पर सबसे पहला काम करना क्या होता है ये पता होना चाहिए। आग लगने पर सबसे पहला काम जो करना होता है वो हमें फायर कंट्रोल रूम नंबर पर सूचना देने का काम होता है। फायर कंट्रोल रूम नंबर जैसे हमारे KGMU के अंदर बना रखा गया है फायर कंट्रोल रूम, उसका नंबर सब जगह चिपका भी है, मगर दीवारों पर चिपका होना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आदमी दीवारों पर नंबर नहीं ढूंढता है, वो मोबाइल निकालता है और तुरंत कॉल कर देता है। तो सबसे पहला काम है सूचना देने का। आप सभी लोग मोबाइल निकालो, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग सेव कर लो, सभी लोग, ज़रूरी है, सबसे पहला काम है सूचना देने का, तो इसलिए नंबर भी सबसे सबके पास होना ज़रूरी है। 800, मैं 2-3 बार बता दूंगा, आराम से आप लोग सेव कर लो, 800-549-7-101। ठीक है, सबका हो गया।
800-5497-101 ये KGMU के अंदर का फायर कंट्रोल नंबर है। 24 घंटे किसी भी समय कहीं भी आग से रिलेटेड अगर दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर पहले सबसे पहले सूचना दें। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, दूसरा काम हमें अपने डिपार्टमेंट में जहाँ कमरे में या किसी जगह पे आग लगी है, ज़्यादा आग लगी है, छोटी मोटी आग लगी होगी तो हमारे में एक्सटिंग्विशर लगे हैं उससे चला देंगे बुझ जाएगी, मगर ज़्यादा आग लगी है तो हमें वहाँ की लाइट कट करा देनी होती है। लाइट इसलिए कट कराएंगे जैसा मैंने अभी बताया था, ज़्यादातर लाइट की वजह से आग लगती है। अगर नहीं भी लगती है तो आग लगने के बाद लाइट अगर तार जलने लगते हैं, सप्लाई चालू रहती है तो उससे आग बढ़ जाती है, तार जलते हैं, शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तो हमें दूसरा काम यही करना है कि हमें अपने जहाँ पे भीषण आग लगी हुई है उस एरिया की हमें लाइट कट करा देनी है। उसके बाद तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें ये करना है कि उस एरिए को, उस विभाग को जहाँ पर आग लगी हुई है ज़्यादा, उसे हमें पूरी तरह से खाली कर देना है, पूरी तरह से खाली करना है। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि लाइट कट करा देनी है तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सीढ़ियों से, रैंप से हमें बिल्डिंग को खाली करना है। सपोज 10 माले की या 9 माले की बिल्डिंग है, किसी चौथे पांचवें फ्लोर पे आग लगी है, ऊपर वाले नीचे नहीं निकल सकते तो वो टेरिस पे निकल जाए, और जो नीचे से आसानी से निकल सकते हैं वो नीचे से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो जलने से कम, धुएं में फंस जाने से ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमें बिल्डिंग को जहाँ पर भीषण आग लगी है पूरी तरह से खाली कर देना है, जो छत पे जा रहा है छत पे निकल जाए, और जो नीचे से आसानी से बाहर निकल सकता है ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए। अगर बाई चांस कहीं धुएं में फंस जाते हैं तो क्या करना है, अगर बाई चांस कहीं धुएं में फंस जाते हैं तो वहाँ पे हमें झुक के निकलना है। झुक के भी अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लेट के रेंग के निकलना है, क्योंकि जो भी जहरीली गैसें या जो भी धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले ऊपर की तरफ भरता है बाद में नीचे को भरता है। तो जितना निचले स्तर पे होंगे हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता रहेगा तो हमें शरीर में ताकत रहेगी और हम वहाँ से निकल सकेंगे। अगर आसपास पानी मिल जाता है तो कोई कपड़ा भिगो के नाक पे बांध लें, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड के कण फेफड़ों में जाने से रुकते हैं, काफ़ी समय तक ऑक्सीजन मिलता रहता है। अगर बाई चांस किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो क्या करना है, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो भागना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भागने से ऑक्सीजन की गति तेज़ होगी, कपड़ों की आग और भड़केगी। तो भागना बिल्कुल नहीं है, वहीं ज़मीन पर लेट जाना है, अलट पलट रोल होकर अपने कपड़ों की आग को बुझाना है। अगर हमने देखा हमारे किसी साथी की आग लग गई है तो उसको भी ज़मीन पर लिटा देना है, कोई मोटा कंबल, कोई मोटा चादर ऐसा उसके ऊपर डाल देना है ताकि उसकी ऑक्सीजन कट हो और उसकी आग बुझ जाए। भागने से आग भड़केगी, क्योंकि तीन चीज़ें मिलने से आग बनती है, जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन, ज्वलनशील और टेम्परेचर। तो भागेंगे तो ऑक्सीजन की गति बढ़ती है। छोटी छोटी और मगर मेन मेन बातें हैं वही बताना चाहूँगा। वैसे तो आग जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल एंड इलेक्ट्रिक। ये 5 प्रकार की आग होती है, उसका तफसीर, उसका उसके बारे में बताना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर हमें ये पता होना चाहिए हमें किस आग पे, हमारे डिपार्टमेंट में जो एक्सटिंग्विशर लगे हैं ये किस पे चलाने हैं, हमको किस आग पे चलाने हैं ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे डिपार्टमेंट में जो एक्सटिंग्विशर लगे हैं ज़्यादातर जो है वो CO2 टाइप, ABC टाइप, ज़्यादातर कहीं कहीं पे वाटर फोम टाइप भी लगे हुए हैं। एक्सटिंग्विशर भी 5 प्रकार के होते हैं, CO2 टाइप होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं लंबा वाला एक्सटिंग्विशर, ये CO2 टाइप है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और ये जो छोटा वाला देख रहे हैं ABC टाइप, इस पर ABC लिखा होता है और ऊपर पाउडर लिखा हुआ है, इसमें केमिकल पाउडर होता है। ज़्यादातर यही दो एक्सटिंग्विशर लगे हैं, मगर कहीं कहीं डिपार्टमेंट में वाटर टाइप भी लगा है, फॉर्म टाइप भी लगा है, केमिकल टाइप भी आते हैं, वो कहीं मुश्किल से मिल जाते हैं, वरना केमिकल टाइप जल्दी मिलते नहीं। तो हमारे डिपार्टमेंट में ये जो दो लगे हैं ज़्यादातर CO2 और ABC, इनको हम किसी भी आग पर चला सकते हैं। सबसे आसानी की बात तो यही है कि हम इनको किसी भी आग पर चला सकते हैं। अगर बिजली की आग है और या जैसे बिजली के इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप या इन सब चीज़ों में आग लगी हुई है तो पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गैस होती है, गैस निकलती है, ठंडा करती है, आग बुझाती है और फिर ये साफ सुथरा रहता है, गंदगी नहीं करता। अगर ये नहीं है तो हम इसको भी बिल्कुल चला सकते हैं किसी भी आग पे। इसमें केमिकल पाउडर मोनोमोनियम फॉस्फेट होता है, तो ये पाउडर धुएं की तरह से पूरे में फैलता है और अपने एरिया की आग को, ऑक्सीजन को कट करता है और आग वहाँ पर बुझाता है आग को। तो इसके अलावा अच्छा वाटर टाइप, फॉर्म टाइप जो होते हैं वो ज़्यादातर डीजल के लिए आग के, वो जो फॉर्म वाले होते हैं वो डीजल की आग के लिए, तेल की आग के लिए, जो लिक्विड वाली आग होती है उसके लिए होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट में बहुत कम लगे हैं क्योंकि बिजली सब स्टेशन में मिलेंगे या जहाँ पे जनरेटर होगा वहाँ पे मिलेंगे, मगर हमें ध्यान ये रखना है कि वाटर वाला और फॉर्म वाला बिजली की आग पर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। वाटर वाला बिजली पर हम चलाएँगे, करंट लग सकता है, लेकिन फॉर्म वाला, फॉर्म में भी लिक्विड होता है, उसके साथ में फॉर्म होता है, तो उसको भी हमें बिजली की आग पर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो ध्यान यही रखना है कि हमें ABC और CO2 अगर मेरे पास है कहीं पे दिख जाता है तो इसको किसी भी आग पे चला सकते हैं, ठीक है।
और अभी और जो मैंने बताया वाटर वाला फॉर्म वाला, इसको हमें बिजली की आग पे नहीं चलाना है। वाटर वाला भी लकड़ी सूखी आग के लिए होता है और फॉर्म वाला जो होता है वो हमारी तेल की आग के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, चलाने का तरीका क्या, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। सबसे मेन तो यही है कि चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, इसके लिए कोड इस्तेमाल होता है पास, PASS पास। तो पास का सबसे पहला जो पी है उसका मतलब ये होता है पुल द पिन। सबसे पहले तो हमें इसकी ये जो पिन लगी होती है, ये एक पिन रहती है, ये इसके लीवर को घूमने से रोकती है, इसलिए ये टेम्परेरी एक लॉक रहता है। तो पुल द पिन, सबसे पहले हमें ये पिन निकालनी है, पिन को हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसको एंटी क्लॉक साइड घुमाना है चलाने के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, चलाने के लिए एंटी क्लॉक साइड घुमाना है। उसके बाद वापस से इसको राइट साइड पर घुमाएंगे तो बंद हो जाता है। तो पुल द पिन सबसे पहला है, पुल द पिन, तो हमें पिन निकाल लेनी है। उसके बाद ए फॉर एम द फायर ऑफ बेस, हमें फिर आग के बेस पे एम करना है, हमें आग के बेस पे एम करना होगा। उसके बाद दूसरा चीज़ जो पहला एस है, एस फॉर एक्सक्यूज द लीवर, हमें इसके लीवर को घुमाना है। और लास्ट वाला जो एस है, स्विच साइड टू साइड, यहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमें इसको फैलाना होता है, स्विच साइड टू साइड। तो पास का मतलब समझ गए ना, पुल द पिन, एम द फायर ऑफ बेस, एक्सक्यूज द लीवर, स्विच साइड टू साइड। तो सिंपल सा तरीका है, सभी को चलाना आना चाहिए। चलाना बस ये ध्यान रखना है, कोड जो हमने बताया उसको ध्यान रखना है चलाने के, है ना। उसी तरह से ये ABC टाइप जो होता है उसमें भी सिंपल वही पास होता है, इसमें भी एक पिन लगी होती है, टेम्परेरी लॉक रहता है। हमें पहला काम करना है पुल द पिन, तो पिन खींचने के लिए हमें ये लॉक को तोड़ना है। इसको जब हम थोड़ा सा कस के खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, हमारी पिन फ्री हो जाएगी। हमें ये पिन निकाल लेनी है, उसके बाद इसके पाइप को लेके हमें एम करना है। अच्छा, आग के बहुत करीब नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा दूर से नहीं चलाना है, क्योंकि ये छोटी आग के लिए ही होते हैं। तो 1 से 1.5 मीटर की दूरी से आप इसको चला सकते हैं, और आग जैसे जैसे बुझती जाए तो आप आगे लेके इसको बढ़ सकते हैं। तो पुल द पिन, पिन की इसकी निकाल लेनी है लॉक तोड़ के, उसके बाद इसके एम करना है। एम के बाद इसके लीवर को दबाना है, इसमें घुमाना रहता है, इसमें दबाना है, ठीक है। इसके लीवर को दबाना है और हमें स्विप साइड टू साइड इस तरह से हमें आग को बुझाना है। तो सभी लोगों को चला के देख लेना है, क्योंकि फर्स्ट एड हम लोग बोलते हैं इसको फर्स्ट एड। छोटी आग के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो बड़ा हादसा होने से हम खुद रोक सकते हैं। तो आग जो होती है सबसे पहले वो छोटी ही होती है, बाद में बड़ी बनती है। तो छोटी आग पे अगर हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया तो बड़ी आग, बड़ा हादसा होने से हम लोग सब लोग रोक सकते हैं। इसलिए सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ज़रा, बहुत ज़्यादा आग के करीब नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा दूर से नहीं चलाना है, कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर निकालनी है। उसके बाद हमें एम करना है और इसको हल्का सा सहारा देकर इसको खोलना और इसको इस तरह से बुझा देना है। ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सभी को चलाना आना चाहिए। सभी लोग चला के देखें, आ जाए वो सब जितने भी एक्सीक्यूशन होते हैं वो सब वन टाइम यूज ही होते हैं, चाहे ABC हो चाहे CO2 हो, क्योंकि एक बार लॉक टूटने और इसका वाल घूमने के बाद इसमें से अगर गैस है तो वो भी धीरे धीरे रिलीज हो ही जाती है बाद में। और इसी तरह से इसमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एक बार लॉक टूटने के दबाने के बाद प्रेशर धीरे धीरे निकल जाता है। अगर इसमें पाउडर रह भी गया तो वो दोबारा से नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रेशर उसमें नहीं होगा। तो ये वैसे वन टाइम जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वन टाइम यूज़ ही कहलाते हैं। स्टोर करके आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। इसका प्रेशर कुछ दिन तक रुक जाता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, मगर इसमें अगर प्रेशर डाउन हो गया तो ये दोबारा से नहीं चलेगा, भले ही इसमें पाउडर रह जाए, है ना। तो ये जितने भी एक्सटिंग्विशर होते हैं वन टाइम यूज़ ही कहलाते हैं। इसको एक बार अगर हम चला रहे हैं तो अच्छे से फिर मतलब आग को बुझा ही लें, चला लें कहते थे, क्योंकि इसको फिर रिफिल ही कराना पड़ता है बाद में। हाँ, आदमी अगर ये सोचे कि हम इसको थोड़ा सा बचा के रख लें तो बचाने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको चलाना है तो उसको आप पैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलाए वो छोटी आग के लिए होता है। उसके बाद अगर हमारे पास ज़्यादा भीषण कोई आग लग जाती है, कोई हादसा ऐसा हो जाता है
तो उसमें फिर हमारे वहाँ पानी से, पानी का जो सिस्टम हाइड्रेंट सिस्टम होता है उसी से ही इस्तेमाल करके आग को बुझाया जाएगा, क्योंकि एक्सटिंग्विशर छोटी आग के लिए होता है, वो पर्याप्त बहुत ज़्यादा आग के लिए नहीं होता है, इसलिए हम उसके लिए फिर हम अपना हाइड्रेंट सिस्टम चलाएंगे। तो हाइड्रेंट सिस्टम चलाने के लिए मेन मेन चीज़ क्या होती है, जैसे हमारे वहाँ मोटर जो होता है जॉकी पंप, उसको स्टार्ट करते हैं, वैसे तो वो जॉकी ऑटो पर रहता है, तो उससे उसके द्वारा हमारे वहाँ जितनी भी लाइन फैली हुई है पूरे मेडिकल कॉलेज में, वहाँ सब हर लाइन में हर पॉइंट में पानी रहता है। तो हमें क्या करना होता है, ये हमारा जो होस पाइप होता है, इसको होस पाइप बोलते हैं, ये मिनिमम 15 मीटर का होता है, मैक्सिमम 30 मीटर के आते हैं, तो हमें इसको इसमें कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट कैसे किया जाएगा, इसको सिर्फ हमें करना क्या है, इसको हमें सिर्फ इसमें ये दबा के इसको पुश कर देना है, क्या पता है रबर रबर कपलिंग, इसको हमें दबा के इसमें पुश कर देना है, ये लॉक हो जाता है, ठीक है, और ये फंस जाता है, फिर ये लॉक है, इसको निकालने के लिए हमें इसके एडाप्टर को खींचना पड़ेगा, ये वापस बाहर आ जाता है। तो हमें इसको सबसे पहले लगाना आना चाहिए कि हमें कैसे लगाना है, तो हमने ये दबाया, ये पुश हो गया, ये लग गया, उसके बाद इसके पाइप को हमें बिना फोल्ड बिना रोल हुए इसको हमें सीधा सीधा तो खुलना रहता है, क्योंकि बल खाएगा, उसके बाद जब हम पानी चलाएंगे तो ये भागता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये हर आदमी के चलाने के लिए नहीं होता, इसमें ट्रेन बंदे जो हमारे होते हैं वही काम करते हैं। तो इसको हमें लगाने के बाद इसके पाइप को पूरा फैलाना होता है, अरुण ब्रांच लगाई जाती है ताकि इसमें से पतली धार निकले और वो दूर तक जाए, ठीक है। तो आइए पाइप तक चलते हैं, इसका सेम है जैसे मैंने उसमें बताया पुश करके, तो इसको भी इसमें पुश करके दबा देंगे, ये लग जाती है, ठीक है। उसको निकालने के लिए दोनों अडाप्टर को हमें खींचना पड़ता है, तो ये बाहर आ जाती है। तो हमें ये लगाने के बाद हमें देख लेनी है कि पूरी तरह से बैठ गई कि नहीं बैठ गई, खींच के देख लेनी है, क्योंकि अगर लूज रहेगी तो प्रेशर से बाहर आ सकती है। तो अब पूरी तरह से ये बैठ गई है, अब इसको चलाने के लिए चलाने के लिए कम से कम दो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा तीन से चार लोग लगते हैं, मगर कम से कम दो लोग सपोर्ट में लगा, ठीक है। इस तरह से पीछे और आगे एक तरह से सपोर्ट दिया जाता है ताकि इसके पाइप को संभाला जा सके, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके वाल को हमें चक्री द्वारा खोलना पड़ेगा पूरी तरह से, हाँ धीरे धीरे स्टार्ट करो, झटके से नहीं, आराम से स्टार्ट करो, बोलो बोलो ऐसे ऐसे करें, तो ये पानी का प्रेशर हमारा पूरी बिल्डिंग की हाइट तक के जाएगा, और बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे अगर आग लगी हुई है तो इसमें ये काम करेगा। काम होने के बाद इसके पाइप को हमें पानी निकाल के उसके बाद हम इसको रोल करके वापस से इसको सुखा के रख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जितना सिस्टम मैंने बताया आग बुझाने से संबंधित, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं फायर कंट्रोलिंग के लिए। और बाकी हमारे वहाँ जैसे सूचना विभाग मतलब सूचना यंत्र जो लगे हुए हैं फायर अलार्म सिस्टम बिल्डिंगों के अंदर, वो भी सारे कार्यरत हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट हो या वो डिटेक्टर हो हूटर हो जितने भी हैं वो सब कार्यरत है। उसका अलार्म सिस्टम जो भी बचता है वो हमारे कंट्रोल रूम पे उसकी सूचना पहुंच जाती है। बाकी प्रति बिल्डिंग के हिसाब से या प्रति मेन पैनल के हिसाब से हर ऑपरेटर हर पैनल पे 24 घंटे रहता है, तो इसी तरह से फायर कंट्रोलिंग की व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन है।